Hello friends, I'm Dr. Vikram Sharma and I'm consultant arthroscopic surgeon and sports medicine specialist at SportsMed Fortis Escott Hospital, Jaipur. SportsMed is the department of arthroscopy and sports medicine which is here at Fortis, and we provide here all the comprehensive sports medicine services including arthroscopic surgery and sports rehabilitation, enhancement, anti-doping counseling, sports nutrition, sports psychology, everything. And I'm back here to talk to you about sports medicine and arthroscopy. यदि हम लोग स्पोर्ट्स मेडिसिन और उससे रिलेटेड चीज़ों को समझना चाहते हैं तो ये दो वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट वी कॉल स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड आर्थ्रोस्कोपी। सो फर्स्ट इज आर्थ्रोस्कोपी। हम लोगों ने सुना होगा गैस्ट्रोस्कोपी, मतलब पेट का दूरबीन से चिकित्सा होती है, लैप्रोस्कोपी। सिमिलरली इज आर्थ्रोस्कोपी, दैट मीन्स इंडोस्कोपिक सर्जरी ऑफ जॉइंट। मतलब दूरबीन से जब भी हम किसी जोड़ को ट्रीट करते हैं, उसका सर्जरी करते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं, सो दैट स्ट्रीम ऑफ ऑर्थोपेडिक, दैट सब स्पेशलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक्स इज नोन एज आर्थ्रोस्कोपी। जनरली आर्थ्रोस्कोपी एक अलग से ट्रेनिंग होती है जो कि हम लोग अपना MS ऑर्थोपेडिक्स कंप्लीट करने के बाद में करते हैं, एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हु आर ट्रेंड इन आर्थ्रोस्कोपी दे कैन ट्रीट द स्पोर्ट्स इंजरीज, क्योंकि आज की तारीख में अधिकतर स्पोर्ट्स इंजरीज का इलाज आर्थ्रोस्कोपी से ही होता है। काफ़ी समय पहले जब जॉइंट में लिगामेंट का इंजरी होता था या मेनिस्कस का इंजरी होता था या शोल्डर डिसलोकेशन इंजरीज होते थे तो जोड़ को पूरा खोल के इनकी चिकित्सा की जाती थी, पर धीरे धीरे यह देखा गया कि यदि खिलाड़ियों में आप इस तरह से पूरा जोड़ को खोल के सर्जरी करते हैं तो उनके रिकवरी में बहुत टाइम लगता है और कई बार वो अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस पे नहीं पहुंच पाते। इसलिए विदेशों में आर्थ्रोस्कोपी का प्रारंभ हुआ, दूरबीन से जोड़ रोगों की चिकित्सा का शुरुआत हुआ, और आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड ये थेरेपी बहुत से डॉक्टर सीख चुके हैं और बहुत से पेशेंट्स को इसका बेनिफिट दे चुके हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन, यदि मैं सही शब्दों में बात करूं तो ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड शब्द है, इसको बहुत गलत तरीके से समझा गया है। कई बार पीपल हु आर ट्रेंड इन आर्थ्रोस्कोपी दे क्लेम दैट दे आर स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सम ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट दे क्लेम देयर सेल्व्स एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट। एक्चुअली स्पोर्ट्स मेडिसिन एक अम्ब्रेला ब्रांच होती है जिसमें आपको सर्जरी, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट, मतलब एक खिलाड़ी साइंटिफिक तरीके से कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, एंटी डोपिंग, मतलब खिलाड़ी को किस तरह से प्रतिबंधित दवाइयों से दूर रहना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयां प्रतिबंधित होती हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, मतलब किस तरह से एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दे के स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, किस तरह से एक स्पोर्ट्स पर्सन का गेट होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, क्रिकेटर्स में बॉलिंग एक्शन कैसा होना चाहिए, रनर्स में रनिंग एक्शन कैसा होना चाहिए, फुट किस तरह से पड़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स में आती हैं। ट्रेवल मेडिसिन, जब भी एक खिलाड़ी, एक टीम एक देश से दूसरे देश में जाती है तो वहाँ उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इमरजेंसी मेडिसिन, यदि किसी खिलाड़ी को स्पोर्ट्स फील्ड में कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है तो किस तरह से उसे डील किया जाए। आप लोगों ने सुना होगा कि फुटबॉल में सडन डेथ आजकल काफ़ी कॉमन है, खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते बिना किसी इंसिडेंस के कोलैप्स हो जाते हैं, तो वो कंडीशन में एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट को क्या क्या किस तरह से उसे हैंडल करना चाहिए ये भी उसको पूरी तरह से ज्ञात होना चाहिए। तो इस तरह से स्पोर्ट्स मेडिसिन एक अम्ब्रेला ब्रांच होती है जिसमें कि ये सारी स्पेशलिटीज़ का ज्ञान एक व्यक्ति, एक डॉक्टर जो कि अपने आप को स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट क्लेम करता है, उसके पास में ये सारे नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरह से यदि एक सर्जन या एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक डॉक्टर MBBS हु वांट टू ग्रो इन अ फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, दे शुड बी ट्रेंड इन ऑल दीज सब स्पेशलिटी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। विदाउट दैट, इफ यू क्लेम दैट यू आर स्पोर्ट्स मेडिसिन गाय, देन दिस इज लिटल लाइक अ अनजस्टिस टू द स्पेशलिटी।